वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम सब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ठीक से पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इसमें, इसके बाद इसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इंग्लिश में कैसे बदलते हैं, फिर इसी लेक्चर में हम पॉइंट ऑफ टाइम जिसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं एंड पीरियड ऑफ टाइम जिसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और कौन कौन सा टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, फिर पीरियड ऑफ टाइम क्या है, कौन कौन सा टाइम पीरियड ऑफ टाइम में आता है और ट्रिक क्या है इसका, साथ में लास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का जो देखा हमने पीछे उनका हम कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे, अंतर देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है, उस एक्शन के लिए किया जाता है जो पास्ट में हो चुका है। ये तो आप जानते हैं, पास्ट है तो पास्ट में हो चुका है कोई भी कार्य, लेकिन इसमें जो ध्यान देने की है वह है कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर बिफोर इट वॉज कम्प्लीटेड। इसमें यही ध्यान देंगे कि जब खत्म हुआ था उससे पहले कुछ समय तक कंटिन्यू रहा था, कंटिन्यू था। तो यही हम समझेंगे कि कैसे कुछ पीरियड तक कंटिन्यू था। इसको समझने का दो तरीका है। एक नंबर है कि सेंटेंस में ही टाइम दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे फॉर टू डेज मतलब दो दिनों से, फिर सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से, तो इन दोनों सेंटेंसेस में टाइम दिया हुआ है, लेकिन तीसरे में टाइम नहीं दिया है। तो एक तरीके से जिसमें टाइम दिया है उसे तो पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अब दूसरा तरीका उन सेंटेंसेस के लिए है जिसमें टाइम नहीं दिया रहेगा, उसका हम हिंदी निकालेंगे और हिंदी निकालेंगे और अंत में अगर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आ जाएगा। तो आप इसे स्पष्ट समझ रहे हैं, जैसे राम पत्र लिखता रहा था, तो राम पत्र लिखता रहा था यह कुछ पीरियड के चल रहा था, जारी था, तो डेफिनेटली यह भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो दो तरीका बतला दिया, एक तो अगर टाइम नहीं दिया हुआ है, एक तो अगर टाइम दिया हुआ है तो वहां से स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ पीरियड के चला था, अगर नहीं दिया है तो उसका हिंदी निकालिए, हिंदी में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आएगा और वह भी पीरियड को ही सूचित कर रहा है। तो ये दो तरीके से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि कोई कार्य अपने समाप्त होने से पहले कुछ पीरियड तक कंटिन्यू था। तो इस तरह के ही कार्य को जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने से पहले कुछ समय तक कंटिन्यू था, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिखलाते हैं। यही डेफिनेशन है इसका। जो उदाहरण एग्जांपल लिखा है, राम हैड बीन रीडिंग फॉर टू डेज, हिंदी होती है कि राम दो दिनों से पढ़ते आ रहा था, चाहे राम दो दिनों से पढ़ते रहा था। आप मैंने क्या बोला? पढ़ते आ रहा था लास्ट में बोला था राम दो दिनों से पढ़ते आ रहा था, या राम दो दिनों से पढ़ते रहा था। आ नहीं भी कहेंगे तभी सही है, आ कहेंगे तो गलत भी नहीं है। तो हिंदी हो गई राम दो दिनों से पढ़ते रहा था। फिर वी हैड बीन वॉकिंग सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से काम करते रहे थे। रमेश हैड बीन ड्राइविंग द स्कूटर एट अ वेरी हाई स्पीड, रमेश बहुत तेज गति से स्कूटर ड्राइव करते रहा था। तो यह सब हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल, क्योंकि पास्ट में कंप्लीट हो गया है और साथ में कंप्लीट होने से पहले कुछ पीरियड के लिए यह कंटिन्यू था। नाउ आइडेंटिफिकेशन की बात करें, कैसे पहचानेंगे कोई हिंदी का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है या किसी और टेंस में है। तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा तो उसके अंत में, उसके मेन क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे होने चाहिए। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, देख भी रहे हैं आप। दोबारा जो एग्जांपल दे रिपीट हुआ है, ते रहे थे, ती रहे थी। तो आप देख रहे हैं कि जो एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने, इनमें इनके मेन क्रियाकंद में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस के अंत में रहेंगे ता रहा था।
और आपको ध्यान यह भी रखना है कि हम अभी पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे तो यही सब बातें थी, लेकिन जिधर था उधर है, हूँ, हो, ये सब वर्ड्स थे प्रेजेंट को सूचित करने वाले। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पढ़ ही लिया है, बस जो समझ है उसको पास्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का जैसा समझा है वैसा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। नाउ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ दूसरे कलर से, इसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। यह आप जानते हैं किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, टेंस वाले सेंटेंस का। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और हैड के साथ हमेशा बीन, हैड के साथ हमेशा बीन, और फिर वी फोर का मतलब आप सब जान चुके हैं, वर्ब प्लस आईएनजी को बोलते हैं V4। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन, V4 और ऑब्जेक्ट। अगर टाइम दिया रहेगा सेंटेंस में, कहा कुछ में टाइम रहता है कुछ में नहीं रहता है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसमें किसी भी टाइम नहीं दिया हुआ है, तो अगर टाइम रहेगा तो उस टाइम से पहले आप लगाएंगे सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक। सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे, इसको तो हम आगे इसी लेक्चर में देख ही लेंगे, बताया भी था आपको आज। तो सिंस या फॉर लगाकर फिर टाइम का जो भी इंग्लिश होगा उसे लिख देंगे। यही होगा स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो विद टाइम, टाइम जब रहेगा तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से लेकर के यहाँ टाइम तक होगा, और जब टाइम नहीं दिया रहेगा तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट से लेकर के ऑब्जेक्ट तक। आप समझ रहे होंगे सबसे जरूरी है ध्यान देने का कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन रहेगा, हैड बीन, और फिर बी4 तो वर्ब प्लस आईएनजी लिखना ही लिखना है। चलिए चेंज कर लेते हैं इसको, राम पत्र लिखता रहा है तो राम का राम हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब तो एक ही होना है तो सोचना नहीं, सेम होना है, एक ही मतलब सेम, हैड बीन ही होना है तो सोचना नहीं है, सब्जेक्ट लिखकर हैड बीन लिखेंगे, फिर V4 सब में लिखना है, देखिए लिखता है ना, तो राइट में आईएनजी राइटिंग, राइटिंग, और पत्र तो यहाँ पे लेटर, एक लेटर ना, अ लेटर। दूसरा सीता पत्र लिखती रही थी, क्या हो जाएगा, सीता, हैड बीन हो जाएगा, राइटिंग भी हो जाएगा और लेटर भी हो जाएगा, जैसा यहाँ से हैड बीन राइटिंग लेटर वैसा ही सीता के साथ भी हो जाएगा। वे लोग पत्र लिखते रहे थे तो वे का आप जानते हैं दे, हैड बीन राइटिंग होगा ही, और वे लोग हैं इसलिए एक चिट्ठी नहीं लिखेंगे, चिट्ठियां लिखेंगे वे। तुम पत्र लिखते रहे थे, ये हो जाएगा यू, हैड बीन तो होना ही है हर केस में, राइटिंग भी होना ही है हर केस में, और तुम हो तो इसलिए एक चिट्ठी कर देते हैं इनका। मैं पत्र लिखती रही थी इसे क्या कहेंगे, आई, हैड बीन तो होना ही है, फिर राइटिंग अ लेटर। अगर इसमें टाइम रहेगा, मैं 4 दिनों से पत्र लिखता रहा था, यहाँ पे क्या होगा, आई, फिर हैड बीन और फिर राइटिंग अ लेटर, और फिर क्या है, 4 दिनों है ना, तो यहाँ पर डालिए फोर होता है, और 4 डेज हो जाएगा, 4 दिनों का 4 डेज। तो समय जब रहेगा तो आप 4 डाल के समय को डाल दीजिए, चाहे सिंस डाल के समय को डाल दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, और कब 4 कब सिंस का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु, एक एग्जैक्ट समय को बोलते हैं समय बिंदु, उसके साथ करते हैं सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अवधि, एग्जैक्ट नहीं होता है तो पूरी अवधि होती है, उसके साथ करते हैं हम प्रयोग 4 का। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम एक डेफिनेट टाइम होता है, यह सूचित करता है काम के शुरू होने का एग्जैक्ट समय, किस एग्जैक्ट समय से काम शुरू हुआ था। इसका ट्रिक है, अगर आप पूछेंगे कब से, अगर पूछते हैं कब से काम शुरू हुआ था, तो कब से का अगर आंसर मिल जाएगा तो आप समझ लीजिए कि उस टाइम के साथ हमें सिंस का प्रयोग करना है,
सिंस का प्रयोग। अब इतना ध्यान रहेगा ठीक है, इतना ध्यान न भी रहे तो ये सब वर्ड्स जो हमने लिखा है पिंक कलर में इनको ध्यान रखना है। अगर ओ क्लॉक एम पी एम समय मेंशन किया होगा तो उसके पहले सिंस का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग इवनिंग नाइट का प्रयोग किया होगा, वर्ड मॉर्निंग इवनिंग नाइट, तो भी वहां पर हमें उसके पहले सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। नेम ऑफ डे दिन का नाम, जैसे मंडे। नेम ऑफ मंथ जैसे जनवरी। नेम ऑफ ईयर जैसे 2021। ये सब प्रयोग किया रहेगा, नेम रहेगा मंथ का नेम, डे का नेम, ईयर का नेम, तो वहां पर भी उनके पहले सिंस लगाना पड़ेगा। डेट रहेगा 24 मार्च 21, जैसे ऐसा डेट रहेगा तो यहाँ भी इसके पहले सिंस लगाना पड़ेगा। अगर समय सूचक शब्द के रूप में बर्थ रहेगा, डेथ रहेगा, ये वर्ड ही रहेगा, मैरिज रहेगा, अराइवल रहेगा, डिपार्चर रहेगा, चाइल्डहुड रहेगा, तो इनके पहले भी सिंस लगाएंगे। किसी फेस्टिवल का नाम हो, जैसे कि होली आने वाली है, होली, या कोई इवेंट जैसे पिकनिक, तो इनके पहले भी हम सिंस लगाएंगे। तो जितने पिंक कलर में लिखा है हमने, ऑलमोस्ट जितना आता है हमने कर दिया है, कुछ छूटा जरूर होगा। हाँ, हम ऐसे ही ये सब समय सूचक शब्द हम यूज करेंगे जब, या ये शब्द या इनके साथ जो भी आता है, जैसे ओ क्लॉक है तो 8 o'clock कर दिया, ये एम है तो 8 a.m. तो ये सब कंप्लीट होगा तब, तो इनके साथ हम लगाएंगे शुरू में ही सेंस। तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम, फिर पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का उल्टा यह इनडेफिनिट होता है। यहाँ पे टास्क जो होता है उसके ड्यूरेशन का पता चलता है, कितना देर तक खत्म हुआ, और ट्रिक इसका है कितने समय से का आंसर मिलता है। पूछेंगे आप अपने से क्वेश्चन कि कार कितने समय से चल रहा था, तो आपको आंसर मिलेगा, तो आप वहां पे यूज करेंगे उस समय सूचक शब्द के पहले फॉर, क्या होगा आवर, आवर जैसे 4 hours ऐसा लिखा रहेगा। डे मतलब 2 days, 3 days, वीक मतलब 2 weeks, 1 week, मंथ मतलब 1 month, 2 months, कितना भी मंथ्स, ईयर मतलब 1 year, 2 years, डिकेड मतलब 1 decade, 2 decades, एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स रहेंगे। सेंचुरी मतलब 100 साल होता है, तो 1 century, 2 centuries, ऐसे। तो ये पीरियड वाले टाइम है, तो इनके पहले लगाते हैं हम फॉर। दूसरा एवर रहेगा या अ लॉन्ग टाइम रहेगा। एवर मतलब आप एक जानते हैं फॉर एवर, फॉर एवर मतलब होता है सदा के लिए। ये देखिए एवर के पहले लिखा है ना EVER, उसके पहले फॉर लिखा है, तो यहाँ एवर के पहले फॉर, वही फॉर एवर है। फिर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से, यहाँ समय निश्चित नहीं है, अवधि बता रहा है लंबे समय से, तो अ लॉन्ग टाइम भी रहेगा, इसके पहले हम फॉर का प्रयोग कर देंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से आपने देखा कि किधर पे सिंस, कहाँ पे फॉर लगाना चाहिए, और इन्हीं दो स्लाइड्स का यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए एक शब्द डाल दिया है। डिफरेंस क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, पहले तो आप समझ लीजिए कि पॉइंट ऑफ टाइम में समय सूचक जो शब्द होगा उसके पहले सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम में समय सूचक शब्द के पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनिट टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम इनडेफिनिट टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम से कार्य के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम पता चलता है, पीरियड ऑफ टाइम से कार्य के की अवधि का पता चलता है कि कितने देर तक कार्य चला। इसका ट्रिक है कब से का आंसर मिलता है कि कार्य कब से चला, और यहाँ पर ट्रिक है कार्य कितने समय से चला, यह होता है। बाकी जो ये पिंक कलर में है हमने काफी अच्छा से देख लिया है पिछले स्लाइड्स में, वही यहाँ पे है। तो इसमें इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।